कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी हाँ गाइस, इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ, अगर आप यूएन पासवर्ड भी भूल गए और जो रजिस्टर्ड नंबर था यूएन से, जो मोबाइल नंबर लिंक था, रजिस्टर्ड था, वो नंबर खो गया है, तो ऐसी सिचुएशन पे आप जो है कि पासवर्ड कैसे बना सकते हैं और उस मोबाइल नंबर को आप हटा के दूसरा नया लगा कैसे सकते हैं, है ना। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग लास्ट तक देखें ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आप जो है कि ऐसी ही गंभीर समस्या से निकल सके, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल पे या फिर किसी के भी मोबाइल में, अगर मोबाइल आपके पास नहीं है तो, या फिर कंप्यूटर में आप जो है कि एक ब्राउजर ओपन करेंगे, है ना। इस टाइप से मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन कर रखा हुआ है। तो यहाँ देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप देखने हैं और मैं वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ आपको क्या करना है, EPFO टाइप करना है, ठीक है जी, इस टाइप से, और सर्च करना है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब देखिए इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाता है। अब यहाँ आपको क्या करना है, इस वाले पे क्लिक करना है। आप इस माउस पॉइंटर को ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी, ये वाले पे, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इस वाले पे आपको क्लिक करना है और कुछ इस टाइप का इंटरफेस यानी आपके सामने खुल कर आ जाता है, जहाँ से इस चीज़ को आपको हटा देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करना है, इस जगह राइट साइड पे आपको ध्यान देना, ये वाला KYC अपडेशन मेंबर, इस वाले पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है जी। अगर मोबाइल पे पूरा खुल नहीं रहा हो तो आपको यहाँ ऊपर कोने में 3 डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइड कहीं होगा आपको उस पर क्लिक करना है, तो इस मोड पे आप आ जाएंगे। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, ठीक है जी। सर्वर पर निर्भर कर रहा है हमारा, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है यहाँ पे। देखिए आपके सामने कुछ इस टाइप का खुल जाता है। अब देखिए आपको यहाँ क्या करना होगा, इस जगह यहाँ दिख रहा होगा फॉरगॉट पासवर्ड, है ना, इस पे आपको क्लिक करने होंगे, ठीक है जी। अब इस पे क्लिक करने के बाद देखिए क्या करना होगा, आपको इस जगह पे यूएन नंबर टाइप करना है जो रजिस्टर था मोबाइल नंबर जिसका खो गया वो वाला, ठीक है। यूएन नंबर यहाँ टाइप करना है और ये सेम टू सेम यही कैप्चा कोड इसी का पे फिल कर देना है और सबमिट करना है, ठीक है जी। गाइस सबमिट करने के बाद देखिए कुछ इस टाइप से आपके सामने खुल कर आएगा, है ना। तो आपको यहाँ क्या करना है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है डू यू विश टू सेंड OTP ऑन दी अबव मोबाइल नंबर, यानी इस नंबर पे, क्योंकि ये नंबर तो आपका खो चुका है इसीलिए इस पे आपको OTP क्यों भेजना है, इसीलिए आपको नो करने होंगे, है ना। इसलिए हमने इस नो पे क्लिक किया। इस नो पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा और आपके सामने जो है कि इस टाइप का यहाँ एंटर योर डिटेल्स डालने को यानी फिल करने को आएंगे। इसमें से आपका नाम जो भी है वो टाइप करना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ और आप मेल हैं कि फीमेल हैं या फिर आप थर्ड जेंडर में आते हैं, ट्रांसजेंडर हैं, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। चलिए पहले मैं इसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब नाम यहाँ टाइप करूँगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ और इस वेरीफाई पे क्लिक करूँगा, ठीक है जी। तो गाइस जो डिटेल्स आप फिल करते हैं अगर वो सही है, यहाँ से मैच करता है, तो वो वैलिडेट हो गया जो है कि नीचे आ जाता है और आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। चलिए हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब देखिए नीचे हमने स्क्रॉल डाउन किया हुआ है तो यहाँ आपको कैप्चा कोड फिल करने को होंगे, सेम टू सेम यही है, और यहाँ पे आपके आधार कार्ड का नंबर, ठीक है जी, और उसे वेरीफाई करने हैं, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। अब गाइस देखिए यहाँ इस टाइप से आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है, जो ग्रीन आपका सामने दिख रहा है, डिटेल्स वैलिडेटेड, है ना। आप देखिए यहाँ बोल रहा है आप जो है कि अदर लिंक्ड मोबाइल नंबर जो है कि एंटर कीजिए, एंटर न्यू मोबाइल नंबर, है ना। चलिए न्यू मोबाइल नंबर
ठीक है जी, यहाँ हम न्यू मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और इस गेट ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो गाइस देखिए मैंने स्क्रॉल डाउन किया है, नीचे स्क्रॉल किया हुआ है काफी, आप देख रहे हैं यहाँ कुछ डिटेल्स हैं मैंने हाइड किया हुआ है। तो यहाँ देखिए ओटीपी जो है कि सेंड सक्सेसफुली उस नंबर पे सेंड किया जा चुका है जो आपने यहाँ टाइप किया है ना। आप देखिए इस कैप्चा को यहाँ फिल करना है और उस ओटीपी को यहाँ फिल करना है और वेरीफाई पे क्लिक करना है, या फिर ओटीपी अगर ना जा पा रहा हो तो आपको रिसेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, तो दोबारा ओटीपी जाएगा और इस पे एंटर करना है। ठीक है गाइस, देखिए इस प्रकार से यहाँ आपको देखिए कैप्चा कोड ये फिल करना है सेम टू सेम, और जो ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर उसे यहाँ एंटर करके वेरीफाई करना है। जैसे ही वेरीफाई हो जाता है ओटीपी, नेक्स्ट आगे जो है कि आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आएगा। ठीक है, पहले न्यू पासवर्ड देना है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे कंफर्म वही पासवर्ड कंफर्म करने हैं और उसे वहां से सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से आपका मोबाइल नंबर भी साथ ही साथ चेंज हो जाता है और यूएन पासवर्ड भी बन जाता है, और आप पुनः से जाके आप वहां लॉगिन करेंगे। चलिए मैं दिखाता, इस जगह पर अपना यूएन नंबर और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया था वो यहाँ, और सेम टू सेम यही कैप्चा कोड या जो भी यहाँ कैप्चा कोड आपके सामने हो यहाँ टाइप करके आपको साइनिंग करना है। साइनिंग करने के बाद आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि आपका मोबाइल नंबर चेंज हो चुका है और पासवर्ड तो फिर आपने बना दिया है ना। इस प्रकार से आपका जो भी काम है, बाद बाकी आपको पैसे निकालने हो या एडवांस निकालने हो, फाइनल सेटलमेंट करने हो, या फोटोग्राफ अपडेट करने हो कुछ भी, या एड्रेस वगैरह अपडेट करने हो, या एग्जिट डेट वगैरह खुद से चढ़ाने हो, जो भी आप जो है कि वहां से कर पाएंगे आसानी से इजीली। और इन सब चीज़ों पर ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियोस हैं, आप लोग देख सकते हैं, सीख सकते हैं और आप अपना फायदा उठा सकते हैं, है ना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन दिया होगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन अगर आप लोग पाना चाहते हैं, भविष्य में ऐसे ही वीडियोस यूजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं, तो जो सब्सक्राइब के बटन को आपने अभी प्रेस किया उसके बगल में एक घंटी का आइकन होगा उसको भी दबा दीजिए, और उसके दबाने के बाद ठीक ऑल नोटिफिकेशन आपको दबाने के लिए आएगा, वो आप दबा दीजिए। तो फिलहाल कोई भी फिर भी आपका डाउट है तो हमें कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स का रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें जाने की आज्ञा दीजिए। जय हिंद जय भारत, आप लोग का दिन शुभ हो, बाय बाय।